न करिए। कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है, यूपी घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें पानित किया गया, इस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? तेजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है, हमें भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इज़राइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिरी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब गुंडागिरी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।